जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड अयोध्या। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ आटे से बनी हुई बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हुए हैं और इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच सूजी लिया हुआ है। आटा और सूजी को इसमें डाल देंगे। उसके बाद कूटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च को हम पीस कर नहीं डालेंगे, कूटी हुई काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद तीखी वाली लाल मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। इसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, उसे भी डाल देंगे। और चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। ये काफ़ी तीखा, खट्टा और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार होगा। उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। अब हम बिना पानी मिलाए हुए इस आलू में हम आटे को और सारे मसाले को मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप इसमें 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने पानी नहीं डाला है, आलू में ही बहुत अच्छी तरीके से ये मिल गया है। उसके बाद हम इसे तुरंत बनाएंगे, इसे रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे। ये फटाफट से नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। सूखा आटा लगाकर इसे हम लोई तैयार करेंगे इसका। उसके बाद हम इसे चाकू से जितनी बड़े आपको बनाने हो उसी साइज के हिसाब से इसे हम काट लेंगे। तो मैं छोटे छोटे ही नाश्ते बनाकर तैयार करने वाली हूँ, तो मैं छोटी छोटी गोलियाँ इस पर कट करूँगी। उसके बाद इसे हम गोल गोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे लंबे शेप में या फिर टिक्की के शेप में, जो भी आपको पसंद हो उस शेप में इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने गोल गोल ही इसे बनाया है। ये नाश्ता देखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम तेल गरम करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसमें सूजी पड़ा हुआ है, इस वजह से ये बहुत कुरकुरा बनेगा ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नाश्ते को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब एक अच्छा सा कलर आने तक इसमें हम फ्राई करेंगे और जो कलर डार्क हो गया इसे निकालते चलेंगे। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब हम सारे नाश्ते को इसमें से तेल से बाहर कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा फ्राई कर लिया है और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और दूसरा बैच मैंने टिक्की के आकार का बना लिया है और इसे भी मैंने तेल से बाहर कर लिया है। एक बार आप भी इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरी मेहनत ज़रा सा भी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा इस वीडियो को। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप तक मिले और आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकें। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप इस रेसिपी को बनाइए फ्रेंड्स और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।